केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कया बढ़ता वायु प्रदूषण ने चालता सरकार रो इलेक्ट्रिक वाहन रा उत्पादन माते जोर राज्य रे साथे वेली मंत्री स्तर माते बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में काल भी रक्षा परिषद की बैठक 22 अरब 90 करोड़ रुपया रा खरीद प्रस्ताव ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर 68 विकास कार्य रो ई शिलान्यास और ई लोकार्पण कया भविष्य री जरूरता ने देखता व्या हो टाउन री प्लानिंग। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होबा आलारी तादाद 50 लाख ने पार। देश भर में सक्रिय मामला री तुलना में ठीक होबा आलारी तादाद भी 5 गुना। अरपंच सरपंच खातर प्रथम चरण का पंचायत चुनाव सारू मतदान व्यो पूरो। जयपुर जिला रा फागी गांव में व्यो सबसे बत्ता 86.39% मतदान। अब 90 करोड़ रुपया रा न्यारा न्यारा उपकरण और हथियार की खरीद प्रस्ताव ने मंजूरी देनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कार परिषद की बैठक में यह स्वीकृति दी गई। बलों द्वारा करीब 22 अरब 90 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरणों और हथियारों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें घरेलू उद्योग के साथ साथ विदेशी वेंडरों से की जाने वाली खरीद के प्रस्ताव भी शामिल हैं। भारतीय कंपनियों से खरीद की श्रेणी के तहत स्टैटिक HF ट्रांस रिसीवर सेट और स्टार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन जैसे खरीदने की स्वीकृति दी गई। HF रेडियो सेट से थलसेना और वायुसेना की क्षेत्रीय इकाइयों के लिए संचार सुविधा बाधा रहित होगी। इस खरीद पर लगभग 5 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद पर लगभग 9 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। सेना की अग्रिम इकाई को मजबूत बनाने के लिए ASIG SUQR असॉल्ट राइफलें खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन राइफलों की खरीद पर लगभग 7 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1331 करोड़ रुपया रा 68 विकास कार्य रो ई शिलान्यास और ई लोकार्पण कराया। मुख्यमंत्री जयपुर अजमेर और उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना RUIDP और नगरीय विकास विभाग रे तहत कुल 68 परियोजना वारो शिलान्यास कराया। इन मौका बना कया कि भविष्य री जरूरता ने देखता व्या शहरा रो विकास टाउन प्लानिंग रे आधार माते होनो चाहिए। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होबा आलारी तादाद काल 50 लाख वेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय रे मुजब मात्र 11 दिन में 10 लाख रोगी स्वस्थ हुआ है। देश में स्वस्थ होबारी दर 82.58 वेगी है। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान 74,072 लोग स्वस्थ हुआ है। इन भात देश भर में सक्रिय मामला की तुलना में ठीक होबा आलारी तादाद 5 गुना 32 वेगी है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 50,16,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 82.58% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.57% रह गई है, जो कि विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रा जन्म दिवस 2 अक्टूबर सु कोरोना वायरस संक्रमिता ने बचावा खातर जन आंदोलन की शुरुआत करी जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपका निवास माते उच्च स्तरीय बैठक में यो निर्णय लिया। वणा कया के स्वायत्त शासन विभाग इन जागरूकता अभियान रो मॉडल विभाग वेला पर इन माए चिकित्सा विभाग रे अलावा कई दूजा गैर सरकारी संगठन स्वयंसेवी संगठन सामाजिक संस्थावा रो भी सहयोग लियो जावेलो। बटे प्रदेश में कोरोना रोग कह लगातार बढ़तो जा रो है। कोरोना रा आंकड़ा फिर रिकॉर्ड कायम करो है। प्रदेश में एक ही दिन में सबसे बत्ता
2112 नुवा मामला सामने आया है, यानी मिलार 18 बार ताए 1,30,971 संक्रमित वह चुका है। 15 और कोरोना मरीजारी मौत रे पछे प्रदेश माए इन महामारी सू मरबाड़ा रो आंकड़ो 1,456 वह गयो है। दूजी काणी प्रदेश माए अबार ताई 1,09,472 मरीज रिकवर किया है, पर अबार भी प्रदेश माए 20,043 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री काणी सू जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर माए सबसू बत्ता 444 पॉजिटिव केस सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर माए 361, पाली माए 127, अलवर माए 110, बीकानेर माए 106, भीलवाड़ा माए 100, अजमेर माए 82, उदयपुर माए 80, जालौर माए 74, कोटा माए 60, नागौर माए 53, डूंगरपुर माए 40, झुंझुनू माए 38, चूरू और दौसा माए 37, राजसमंद माए 30 और टोंक माए 21 कोरोना पॉजिटिव मिलया है। कोरोना संक्रमण री रोकथाम और बचाव खातर सीकर जिला प्रशासन नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू करयो है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी इंडा पोस्टर और पैम्फलेट जारी करया। जिला कलेक्टर कया कि जिला माए कोरोना संक्रमण बढ़ रो है, इनरी रोकथाम खातर राज्य सरकार नो मास्क नो एंट्री रो संकल्प लेनी है। संक्रमण का खतरा बना हुआ है सभी जगह और हम इसमें देख रहे हैं कि केसेस भी अभी लगातार आ रहे हैं। हालांकि हमारा जो फोकस है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स पर है, उनको इलाज ठीक से दिया जाए, उनको सही तरीके से जो भी आवश्यक इलाज है वो उपलब्ध कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद संक्रमण फैलने का खतरा हमारे ऊपर अभी भी है और यही बात हम अपील के माध्यम से सभी जिले के निवासियों को पहुँचाना चाहते हैं कि बिल्कुल भी हमें इसको हल्के में नहीं लेना है, नहीं ना ही ये सोचना है कि अब संक्रमण टल चुका है या फिर अब इसका जो पीक है वो निकल गया है। तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपने परिवार के प्रति और खुद के प्रति समझते हुए हमने इन जो ये सामग्री है इसका जो विमोचन किया है, इसमें यही बताया गया है कि नो मास्क नो एंट्री। इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी रूप में बिना मास्क के किसी भी पर्सन की एंट्री नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू माए कोरोना संक्रमण रा बढ़ता मामला रे चलता दो ठोरा माते कर्फ्यू लगायो गयो है। जिला रा पचेरी कड़ा और चूड़ी चतरपुरा माए 3-3 दिन खातर कर्फ्यू लगायो है। कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि जिला माए न्यारी न्यारी टीमा बनार सर्वे रो काम जारी है। प्रशासन ने सख्ती सु कोविड-19 रा निर्देशारी अनुपालना करवा खातिर कयो गयो है। जगह जगह कैंप लगार सैंपलिंग रो काम भी करयो जा रहे है। ग्रामीण इलाकों में टीमें बनाकर व्यापक स्तर पर सर्वे का काम जारी है और इसी सर्वे के दौरान दो गांव ऐसे मिले हैं जहां पर संख्या कोरोना की ज़्यादा रही है, चूड़ी चतरपुरा झुंझुनू तहसील में है और पचेरी कला बुहाना सब डिविजन है। इन दोनों जगह पर 3-3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। लोगों से अपील है, आम नागरिकों से अपील है कि वो बाहर नहीं निकलें, बाहर निकलें तो बहुत सावधानी से निकलें और अगर बाहर भी अगर उनको निकलना है ज़िले के अन्य हिस्सों में तो बाकायदा मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग करके और हाथ सैनिटाइज करके निकलें। ये जो दोनों का गाँव हैं इन दोनों गाँव में 3 दिन के लिए कर्फ्यू है। कर्फ्यू के दौरान सभी नागरिकों से अपेक्षा है और अपील है कि वो अपने घरों में रहें। काल पंच सरपंचा रा निर्वाचन खातर पहला चरण रो मतदान भयो। सगली ठोरा माते शांतिपूर्ण मतदान री खबर है। राजधानी जयपुर माए इनरो प्रतिशत 84% सुबत्तो रहो है। 8 फागी गांव माए सबसु बत्तो 86.39% मतदान भयो। इनी भांत दौसा माए 78% सुबत्तो, अलवर माए 81% सुबत्तो मतदान भयो। पंचायत चुनाव 2020 रा पहला चरण माए जयपुर जिलारी आंधी किशनगढ़ रेणवाल अरफागी पंचायत समितियां री 70 ग्राम पंचायत माए पंच सरपंचारो
निर्वाचन शांतिपूर्ण अव्यवस्थित तरीका सू पूरो वियो। मतदाता वारो इन चुनाव खातर रुझान निजर आयो। कोरोना वायरस रे चालता मतदाता निर्वाचन कार्मिक मास्क और सैनिटाइजेशन रे साथे ही सतर्क निजर आया। प्रशासन री काणी सू भी मतदान खातर सगली व्यवस्था वा दुरुस्त हुई। चूरू जिलारी तारानगर पंचायत समिति खातर मतदान शांतिपूर्ण तरीका सू पूरो वियो। अटे तारानगर पंचायत समिति खेतर माए सबसू बत्तो 87.07% मतदान वियो। मतदान रे दौरान महिला मतदाता वा माए घणो उत्साह देखियो गयो। अटे बुजुर्ग लोगा ने मतदान खातर व्हील चेयर माथे ल्याता भी लोग दिखिया। तारानगर ब्लॉक माए 33 ग्राम पंचायत माए सरपंच निर्वाचन खातर 193 बूथ बनाया गया है। बांदीकुई और दौसा पंचायत समिति खेतर माया चौथा चरण रा पंचायत चुनाव खातर मतदान दल रवाना वैक्यो है। पंचायत चुनाव रा इन अंतिम चरण खातर आज नामांकन पत्र लेबा खातर आरो दल रवाना वियो। इनसु पहली वाने ट्रेनिंग दीगी। ट्रेनिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश मीणा और जिला परिषद रा सीईओ लक्ष्मीकांत बालोदर रिटर्निंग एलकारा ने चुनाव रे दौरान सतर्कता बरतवा सेती दूजा निर्देश दिया। चौथा चरण माए 58 ग्राम पंचायत माए मतदान वैलो। चौथे चरण में बांदीकुई और दौसा के जो चुनाव होने हैं उसके आरओस और पीओस के नॉमिनेशन फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए पार्टीज का आज ट्रेनिंग हो रहा है। इसमें कुल 58 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें नॉमिनेशन लिए जाएंगे और कल ये अपने अपने संबंधित बूथों पर जाकर ये नॉमिनेशन फॉर्म लेंगे। प्रदेश माय समर्थन मूल्य माते मूंग उड़द सोयाबीन और मूंगफली री होबाली खरीद खातर भंडारण री पूरी व्यवस्था करी जावेली। वेयरहाउस कॉरपोरेशन रा अध्यक्ष पीके गोयल कया के अबार कॉरपोरेशन रे कने 150,000 मीट्रिक टन और CWUC रे कने 95,000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता मुहैया है। खरीफ 2020 माए दलहन और तिलहन री खरीद व्यवस्था रा बारा माए आज राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी री वर्चुअल बैठक माए आ जानकारी दी गई। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी नवाचार करता व्या बहुवर्षीय चारा रो उत्पादन करे है। काजरी वैज्ञानिक नेपियर हाइब्रिड CO4 नामरा चारा री किस्म तैयार करी है जिनरी उत्पादन क्षमता बहुवर्षीय होबारे साथे पौष्टिक भी है। मरुस्थलीय जुनावरा ने इन सारू साल भर रो चारो मिल सकेलो और दूध उत्पादन री मात्रा माए भी बढ़ोतरी वैली। काजरी रा प्रधान वैज्ञानिक राम नारायण कुमावत बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्र माए जुनावर खातर चारो उपलब्ध करवानो मुश्किल और खर्चीलो काम होतो जा रहो है। एड़ा माए नेपियर हाइब्रिड चारो कम भूमि माए साल भर उत्पादित कर इन समस्या रो निदान करो जा सके है। पश्चिमी राजस्थान में जिसे अपन जानते हैं कि पशुधन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इन पशुधन के अंदर अपन अगर ब्रीड्स का नाम ले तो थारपारकर, राठी, कांकरे जो दूध देने वाली जो नस्लें होती है गाय की, साथ ही साथ अभी भैंस का भी चलन ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन इन पशुओं का जो दूध उत्पादन क्षमता होती है वो हरे चारे की वजह से और दाने की वजह से बहुत कम होती है। इस हरे चारे की पूर्ति करने के लिए काजरी संस्थान ने एक नवाचार यहाँ पे प्रारंभ किया था जिसके अंदर उन्होंने देखा कि अगर हम बहुवर्षीय चारा लगा देते हैं जिसके अंदर चारा देने की क्षमता भी ज़्यादा हो, साथ साथ बहुवर्षीय भी हो, तो उसको लगाने से और साथ ही उसकी पोषकता भी बढ़िया हो, तो काजरी के अंदर जो नवाचार किया उसके अंदर ये देखा कि हम अगर 0.1 हेक्टेयर जिसको हम 1,000 स्क्वायर मीटर बोलते हैं उसके अंदर अगर हम चारा लगाते हैं तो कैसे उसके अंदर साल भर हम चारा दे सकते हैं। तो हम जो पीछे हमारे खेत के अंदर देख रहे हैं उसके अंदर नेपियर हाइब्रिड CO4 नाम की जो किस्म आती है वो यहाँ पे लगाई है। इन वेराइटीज़ का मूल्यांकन करने के बाद हमने पाया कि चारे की उत्पादन क्षमता CO4 के अंदर सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय इलाकों के लिए उपयुक्त पाई गई। तो इस प्रकार नेपियर को हम देखेंगे तो ये साल भर के अंदर करीब करीब 170 आपको क्विंटल आपको चारा मिल जाएगा नेपियर से मिल जाएगा, 18 क्विंटल आपकी खरीब दलहनी चारा से मिल जाएगा और अभी दलहनी चारा से आपको करीब करीब 62 क्विंटल हरा चारा मिल जाता है। इस प्रकार 5 पशुओं के लिए अगर हरा चारा मिल जाता है तो
मारवाड़ के लिए या मरुस्थली इलाकों के लिए सबसे बढ़िया चारे का प्रबंधन हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा हम जानते हैं कि अगर पैसे की बात करें तो 2 रुपये किलो से भी आप अगर इसको बेचते हैं तो इसके अंदर आपको करीब 50,000 रुपये का चारा मिल जाएगा, जो कि आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। आज विश्व हृदय दिवस है। कोरोना काल में चालता हृदय ने स्वस्थ रख पारी बत्ती जरूरत है। डॉक्टर आलोक माथुर बताया कि इन बार विश्व हृदय दिवस की थीम यूज योर हार्ट टू बीट ब्रोकन हार्ट रखी गई है। वर्णा बताया कि कोरोना संक्रमण रा इन टेम माए दिल ने स्वस्थ रख पारी बत्ती जरूरत है। दिल ने स्वस्थ रखवा खातर वर्णा संतुलित खान पान, संयमित जीवन शैली, व्यायाम और नियमित चेकअप की सलाह देनी। अब के जो वर्ल्ड हार्ट डे का जो थीम रखा गया है वो है यूज़ योर हार्ट टू बीट ब्रोकन हार्ट। अपने दिल से अपन को इसमें जुड़ना है। दिल से जुड़ने का मतलब है कि अपन सबको एक तरीके से शपथ लेनी है, क्योंकि जो कोरोना काल जो चल रहा है, जो पेंडेमिक चल रहा है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट डिजीज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैसेज के रूप में मैं ये देना चाहूँगा कि अपने को अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ख़ास तौर पर कोरोना से भी बचना है, क्योंकि कोरोना वायरस का भी इम्पैक्ट जो है वो हार्ट पे है। जितनी भी मॉर्टेलिटीज़ हुई हैं उसमें मेजर कारण माना गया है कोरोना का, जो कि क्लॉटिंग प्रोफाइल चेंज होता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अंदर, उसकी वजह से कई जगह हार्ट अटैक हो जाते हैं व्यक्ति के, या उसकी मांसपेशियाँ हार्ट की कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे भी प्रॉब्लम्स होती है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे जा सकता है। जो आपको प्रिकॉशंस बताए गए हैं, रेगुलर जो मास्क यूज़ करना या सैनिटाइजेशन यूज़ करना या सोशल डिस्टेंसिंग रखना, उसका ध्यान रखें। सेकेंडली, क्योंकि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, चाहे वो लॉकडाउन हो या लोगों को डर हो, लोग बाग वॉकिंग पे नहीं जा रहे हैं, अपना रेगुलर मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं, तो जितने भी पेशेंट्स हैं, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर है जिनके कोलेस्ट्रॉल या जिनके सिम्टम्स हैं, उनको अपने को रेगुलर चेकअप कराना है। हाँ, आप हॉस्पिटल जाएं, प्रिकॉशंस से जाएं। आज सभी हॉस्पिटल्स के अंदर सुविधाएं जो हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनजाति बाहुल्य आला डूंगरपुर जिला माए नई शिक्षा नीति ने शिक्षाविद टावरा रा सर्वांगीण विकास खातर श्रेष्ठ बताया है। दूजी काणी व्यवसायिक शिक्षा ने नौजवाना खातर रोजगार देवाली बताता व्या इन शिक्षा नीति री सराहना भी कीनी है। शिक्षाविद मातृभाषा माए प्रारंभिक शिक्षा रा निर्णय ने बालका रा कौशल विकास खातर उपयोगी बताया। वणा कहा कि नई शिक्षा नीति सु कई उम्मीद जागी है, सगला नई शिक्षा नीति रो स्वागत करया है। हमारी संस्कृति के अनुरूप यह शिक्षा नीति है, विशेषकर हम ग्रामीण इलाकों के लिए और युवाओं के लिए ये बहुत ही रोजगारोपरक होगी, हमारी संस्कृति में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करेगी और हम सबको हमारे जीविकोपार्जन के लिए रोजगारोन्मुखी ये शिक्षा नीति होगी। जो विद्यार्थी हैं, आज की तकनीकी युग के अनुरूप वर्चुअल क्लास है, इसके बाद ई लाइब्रेरी है, ऐसे प्रमुख चीज़ों को इसमें सम्मिलित करके हमारे युवाओं को काफ़ी मतलब अच्छा मार्ग जीवन निर्माण में प्रशस्त किया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है, वो देश में तीन बार नई शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति है, जो पूर्व में कमियां रह गई थी उसको परिमार्जित करके, परिष्कृत करके बहुत अच्छे ढंग से हम देश के युवाओं के लिए उन्होंने लॉन्च किया, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कि उम्मीद जगी है, मासूम बचपन रोने से नहीं किलकारी से शिक्षा की शुरुआत करेगा, वह खेल खेल में सीखेगा और पढ़ाई को भी खेल समझेगा, वो पढ़ेगा नहीं सीखेगा। उम्मीद जगी है कि वह काल केवल कान नहीं है, मुंह भी है, ये दृश्य नजर आएगा। सूर्य किस दिशा में उगता है का कॉपी में जवाब देकर 2 में से 2 अंक लाने वाला बालक खुले मैदान में आकर पूरा बता भी सकेगा, उम्मीद जगी है। 1986 के बाद में पहली बार शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है और इस बार का जो शिक्षा नीति में परिवर्तन है वो मूल रूप से बेसिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 5+3+3+4 इसके अंतर्गत 5 साल तक बच्चा बेसिक शिक्षा में रहेगा और अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, इस कारण से बच्चे का बेस बहुत मजबूत होगा। नई शिक्षा नीति 2020 जो सरकार लेकर आई है काफ़ी तारीफ़ें काबिल है,
जिसके अंदर बच्चा है वो छोटी कक्षाओं के अंदर 1 से 5 में मातृभाषा के अंदर वो अध्ययन कर सकेगा। बांसवाड़ा में कोरोना वायरस से चलता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 18 लगभग 16,85,000 लोगों खातर वरदान साबित हुई है। खाद्य सुरक्षा सु जुड़िया या लोगों ने सितंबर माह में 6,371 मीट्रिक टन सु बत्ता गेहूं रो वितरण करो जा चुको है। रसद विभाग बांसवाड़ा रा प्रवर्तन एहलकार सोहन सिंह चौहान बताया कि बांसवाड़ा जिला में 3,67,000 जना रहे कने राशन कार्ड है, जिनमें 1,21,900 सु बत्ता बीपीएल कार्ड धारक है, यानी प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दिया जा रहा है। कई लाभार्थी बताया कि वना कोरोना काल में राशन आसानी से मिलो है, केंद्र सरकार री या योजना महाखातर लाभकारी है। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के लिए बांसवाड़ा जिले में 7,634.9960 MT का आवंटन हुआ है, उसमें से 7,372.258 MT का वितरण हो चुका है, जो 96.56% है। साथ ही चना का वितरण भी किया जा चुका है। 5 किलो प्रति मनुष्य मिलता है और राशन कार्ड टाइम से टाइम मिलता है और राज्य सरकार भी दे रही है हमें, और बहुत बड़ा मतलब हमारा अच्छा मिलता है और अच्छा बड़ा फायदा हुआ है। हमको राशन कार्ड टाइम टू टाइम मिल रहा है और चने भी मिल रहे 2 किलो, दाल मिल रही 1 किलो और गेहूँ 25-25 किलो मिल रहे हैं। हमारे गाँव मिल रहे 35 किलो, 5-5 किलो भी मिल रहे हैं, 1 किलो 2-2 किलो चने भी मिल रहे हैं, दे रहे हैं। 5-6 महीने से हमको फ्री भी गेहूँ मिल रहे हैं और हर महीने मिलते रहते हैं, चने मिल रहे हैं, गेहूँ मिल रहे हैं, अच्छी सुविधा है यहाँ पे। प्रदेश में मानसून री विदाई रो दौर शुरू हो गयो है। प्रदेश रा कई हिस्सा में बारिश भी और ओला पड़िया, इनसु उमस सु राहत जरूर मिली, पन करसा री पाकेड़ी खड़ी फसला ने भी खासो नुकसान पुग्यो है। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप रह चालता लोग परेशान बह रहा है, जबकि उत्तर में श्रीगंगानगर सहती दूजा हल्का में अबार ताएं भी उमस फैरी है। और डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो, और ताजा खबरारी जानकारी खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने फॉलो कर सको हो। और एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कया बढ़ता वायु प्रदूषण रह चालता सरकार रो इलेक्ट्रिक वाहन रा उत्पादन माते जोर, राज्य रे साथे वैली मंत्री स्तर माते बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में काल भी रक्षा परिषद की बैठक, 22,90,00,000 रुपया रा खरीद प्रस्ताव ने दीनी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करया 68 विकास कार्य रो ई शिलान्यास और ई लोकार्पण, कया भविष्य री जरूरता ने देखता व्या हो टाउन री प्लानिंग। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होबा आलारी तादाद 50 लाख रे पार, देश भर में सक्रिय मामला री तुलना में ठीक होबा आलारी तादाद भी 5 गुना। अरपंच सरपंच खातर प्रथम चरणडा पंचायत चुनाव सारू मतदान व्यो पूरो, जयपुर जिला रा फागी गांव माए व्यो सबसू बत्ता 86.39% मतदान। चलो अब आर इन बुलेटिन माए अत्रोइच, नमस्कार।